नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, हिंदी अधिकारी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा से, यहाँ ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में एक हिंदी के वीडियो लेक्चर के लिए उपस्थित हूँ। और आज के इस वीडियो लेक्चर का जो विषय है वह है हिंदी की उपयोगी वेबसाइट्स और उनका प्रयोग। मित्रों, जैसा आज आप जानते हैं कि आज का ज़माना आईटी का है, सूचना प्रौद्योगिकी का है, और ऐसे में जो हिंदी के छात्र हैं और जो लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं उनके लिए जानना महत्वपूर्ण भी है और आवश्यक भी है कि हिंदी में ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनका प्रयोग उन लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आज ये जानकर आप लोगों को खुशी होगी कि हिंदी में आज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि अलग अलग एंगल से आप लोगों को मदद करती हैं और आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। तो मैं शुरू करना चाहूँगा आज का अपना ये प्रस्तुतिकरण जिसका विषय है हिंदी की उपयोगी वेबसाइट्स और उनका प्रयोग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वेबसाइट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं आप लोगों को बताने के लिए, उनमें हिंदी सीखने के लिए उपयोगी वेबसाइट्स और ब्लॉग्स हैं, राजभाषा के प्रयोग के लिए वेबसाइट्स हैं, हिंदी टाइपिंग के लिए उपयोगी वेबसाइट्स हैं, हिंदी अनुवाद के लिए बेहतरीन वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन हिंदी के शब्दकोश हैं, और हिंदी में सूचना एवं जानकारी का जो भंडार है वो आपको कहाँ से प्राप्त हो सकता है उसके लिए वेबसाइट्स हैं, राजभाषा से संबंधित अलग अलग वेबसाइट्स और ब्लॉग्स हैं, हिंदी के प्रमुख संस्थानों की वेबसाइट्स हैं, और हिंदी के फॉन्ट्स एवं फॉन्ट कन्वर्जन के लिए भी वेबसाइट्स उपलब्ध हैं। तो पहली जो वेबसाइट्स मैंने ली है वो मैंने उसका चयन किया है, वो है हिंदी etools.com। इसका जो पता है ये आप यहाँ स्लाइड पे देख पा रहे हैं ऊपर, हिंदी etools.com। उदयवीर सिंह, उन्होंने इस वेबसाइट का डिज़ाइन किया है और बड़ी उपयोगी और अच्छी वेबसाइट्स है। जो हिंदी के छात्र हैं वो यहाँ पर उनको हिंदी से संबंधित बहुत सी जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे हिंदी के लिए बहुत सारे यूनिकोड और नॉन यूनिकोड्स के फॉन्ट्स हैं जिन फॉन्ट्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फोनेटिक टाइपिंग्स के टूल यहाँ पे उपलब्ध हैं, और बहुत सारी जानकारियाँ जो कि जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे जो लगाया हुआ है स्नैपशॉट, उसमें आप देख पा रहे हैं कि एज कैलकुलेटर, लिपि स्क्रिप्ट कन्वर्टर टूल्स, यूनिट कन्वर्टर, अंकों से शब्द में कन्वर्शन, HTML टू यूनिकोड का कन्वर्शन, इस तरह से भी और कई लिंक दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप खासतौर पर अगर फॉन्ट्स की बात करें या टाइपिंग की बात करें या ऐसे और भी जो कई उपयोगी चीज़ें हैं उनकी अगर आप बात करें तो उस लिहाज से ये वेबसाइट बहुत उपयोगी है। अतः आप इस वेबसाइट को एक बार ज़रूर खोलें और इसमें जो अलग अलग टैब्स के तहत जो अलग अलग सुविधाएँ दी गई हैं उसकी जानकारी लें और उनका प्रयोग करें। वैसी एक वेबसाइट जो हमारी जो लिस्ट में दूसरे नंबर पर है वो भी हिंदी etools.nic.in है। इसकी खासियत ये है कि ये राजभाषा विभाग के द्वारा बनाई गई वेबसाइट है, पता भी लगभग पहली वेबसाइट से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि एंड्रॉयड फ़ोन और विंडोज़ फ़ोन और iOS पे क्या मोबाइल्स एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, और कीबोर्ड की जानकारी जैसे फोनेटिक्स के कीबोर्ड, रेमिंगटन के कीबोर्ड आदि, इंस्क्रिप्ट के कीबोर्ड उनकी जानकारी, हिंदी फॉन्ट कन्वर्शन, गूगल वॉइस टाइपिंग और ई महाशब्दकोश, ऐसे बहुत सारे जो उपयोगी टूल्स हैं उनकी जानकारी, उनको प्रयोग कैसे किया जाना है उसका विवरण और उसके लिंक यहाँ उपलब्ध हैं। तो ये भारत सरकार की राजभाषा विभाग की वेबसाइट है, आप इसका भी प्रयोग करें। अगली जो स्लाइड है वो राजभाषा विभाग की साइट है www.rajbhasha.gov.in। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि अपने अंदर बहुत सारे हिंदी और राजभाषा से संबंधित जो ज्ञान और जानकारी का जो भंडार है उसको समाहित किए हुए है। इसमें भारत सरकार की हिंदी से संबंधित जो पुरस्कार योजनाएं हैं उसकी जानकारी है, हिंदी प्रशिक्षण के लिए क्या व्यवस्था है उसकी जानकारी है, और यहाँ आप एक टैब देख पा रहे हैं हिंदी etools, ये हिंदी etools के तहत जो भी टूल्स अवेलेबल हैं जैसे लीला है, मंत्र राजभाषा है आदि, जो टूल्स राजभाषा विभाग ने या जो सॉफ्टवेयर राजभाषा विभाग ने बनाए हैं वो सारे यहाँ पे उपलब्ध हैं, और जो भारत सरकार के जो कार्यालय हैं वो यहाँ से जाके अपनी तिमाही रिपोर्ट भी यहीं से भरते हैं, और जो राजभाषा विभाग की जो पत्रिका है राजभाषा भारती
वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो हिंदी के कार्मिक हैं, हिंदी से जुड़े हुए हैं, जो भारत सरकार के केंद्र सरकार के कार्यालय में काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो यह वेबसाइट अत्यंत आवश्यक है और उन लोगों को चाहिए कि नियमित अंतराल पे वे इस वेबसाइट का पर विजिट करें। और यहाँ पे जो भी सर्कुलर्स आते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं अद्यतन सूचनाएं, इसके तहत जो लेटेस्ट सर्कुलर राजभाषा विभाग के होते हैं, चाहे वो पुरस्कार से संबंधित हो, चाहे अनुवाद से संबंधित हो, चाहे किसी और विषय से, वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वेबसाइट एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अगली जो वेबसाइट है ये उसी का ही लिंक है राजभाषा विभाग का, इसका पता है www.chti central hindi training institute, इसका फुल फॉर्म है CHTI, तो chti.rajbhasha.gov.in। इसकी जानकारी मैंने इसलिए दी है कि जो भी केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं उनको जब भाषा, कंप्यूटर, टंकण आदि से संबंधित प्रशिक्षण की जानकारी लेनी होती है तो सारी की सारी जानकारी आपको इस लिंक में, इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम आप चाहें तो अपने अपने कार्यालय में भी अनुवाद प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करवा सकते हैं, कंप्यूटर से संबंधित 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवा सकते हैं, या ऐसे कार्यक्रम का जो पूरा साल भर का कैलेंडर है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अनुवाद के लिए, कंप्यूटर के लिए अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो आपको कहाँ जाना होगा, कब जाना होगा, सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। भारत सरकार के जो हिंदी शिक्षण योजना के तहत जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, जैसे प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत, इन 4 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी पूरी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ से आप अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं, परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं और हिंदी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी वेबसाइट है। अगली जो वेबसाइट है ये मैं बताना चाहूँगा, sahajdigital.com। ये भी हिंदी में या राजभाषा से संबंधित कर्मचारियों के लिए एक उपयोगी वेबसाइट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वेबसाइट ऐसे डिजाइन की गई है कि इसमें हिंदी डिक्टेशन से लेकर के हिंदी में काम करना, जैसे अगर आप हिंदी में कोई नोटिंग करना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने ऐसा फॉर्मेट यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है कि आप सिर्फ एक डेटा, अपने कार्यालय का डेटा डाल के या एक अपने नोट्स का, ड्राफ्टिंग का डेटा डाल के पूरा नोटशीट जो है आप तैयार कर सकते हैं, पूरी ड्राफ्टिंग आप यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वेबसाइट में मिल जाती हैं, अतः sahajdigital.com का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगली जो वेबसाइट मैंने उसको चयनित किया है वो है rajbhasha.net। एक इतनी ज़्यादा जानी सुनी वेबसाइट नहीं है, लेकिन मैंने पाया कि इस वेबसाइट में ऑल हिंदी फॉन्ट कन्वर्टर का एक लिंक है। इसमें आप यूनिकोड से नॉन यूनिकोड और नॉन यूनिकोड से यूनिकोड के फॉन्ट्स जो है ऑनलाइन आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही हिंदी टूल्स का एक लिंक है या एक टैब है, इसमें आप जो है हिंदी टूल्स, जो अलग अलग टूल्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इसमें उपयोगी जानकारी है और सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूनिकोड टू कृतिदेव। बहुत ऐसा होता है कि हमको यूनिकोड से कृतिदेव में कन्वर्जन के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर ढूंढते हैं, लेकिन हमको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है, सीधे इस लिंक में जाके हम अपने फॉन्ट्स का कन्वर्जन या परिवर्तन कर सकते हैं। तो rajbhasha.net ये भी एक अच्छी उपयोगी वेबसाइट है। अगला जो हमारा भाग है इस व्याख्यान का, वो उसमें मैं कुछ आपको ऑनलाइन शब्दकोश जो है बताना चाहूँगा, क्योंकि शब्दकोश एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की तारीख में। और कौन से ऐसे ऑनलाइन शब्दकोश हैं जिनका प्रयोग आपको करना चाहिए, इस क्रम में जो पहली वेबसाइट आती है वो है www.chtt.nic.in। CHTT का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, और ये भारत सरकार का उपक्रम है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी, और यहाँ आप देख पा रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश, जो भी शब्द आपको सर्च करने हैं, खास करके विज्ञान और तकनीक से संबंधित जो शब्द हैं उसके एकदम मानक अर्थ आपको यहाँ प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात ये भारत सरकार का जो कमीशन है उसके द्वारा जो प्रस्तुत की गई शब्दावली है वो यहाँ उपलब्ध है। अर्थात जो अर्थ आपको किसी कठिन तकनीकी या वैज्ञानिक विषय से संबंधित किस शब्द का अर्थ ढूंढना हो, और जो अर्थ यहाँ पे दिया जाता है उसको आप एकदम मानक अर्थ मान सकते हैं और उसका प्रयोग आप बेहिचक कर सकते हैं।
और इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी आज की तारीख में उपलब्ध है, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तो आप इस वेबसाइट का प्रयोग अवश्य करें। cstt.nic.in के बाद हम चलते हैं शब्दकोश की ओर। ये एक प्राइवेट वेबसाइट है, भारत सरकार के से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बड़ी उपयोगी वेबसाइट है। ये एक मल्टीलिंगुअल ऑनलाइन डिक्शनरी है। इसमें आप बंगला, गुजराती, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, मलयालम आदि जो भाषाएं हैं इनके इन शब्दों के अर्थ जो आप ढूंढ सकते हैं, यानी इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में, या मराठी से इंग्लिश में, मराठी से हिंदी में आप शब्दों का जो अर्थ जो है ढूंढ सकते हैं। और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। एक शब्द अगर आप इसमें डालते हैं, इनपुट डालते हैं, उससे संबंधित जो पूरा और दूसरे शब्द हैं उनका अर्थ जो है वर्ब के रूप में, यानी क्रिया के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, पूरी व्याख्या के साथ, पूरे उदाहरण के साथ ये प्रस्तुत कर देती है। तो इससे किसी शब्द का अर्थ को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। और इसमें हर दिन एक वर्ड ऑफ द डे, आप यहाँ देख पा रहे हैं, वर्ड ऑफ द डे आपको हर दिन एक नया शब्द मिलता है, और कोट ऑफ द डे यानी हर दिन आपको एक नया कोटेशन मिलता है, हिंदी में और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं और अपने हिंदी और अंग्रेजी के ज्ञान का संवर्धन कर सकते हैं। तो www.shabdkosh.com, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो एक और वेबसाइट में बताना चाहूँगा जो कि एक ऑनलाइन शब्दकोश है और मल्टीलिंगुअल है और विश्व की सारी प्रमुख भाषाओं को सपोर्ट करता है, यानी हिंदी अंग्रेजी के अलावा जो भारत की भाषाओं के अलावा जो फ्रेंच, स्पेनिश और जैसी बड़ी भाषाएं हैं वो सारी भाषाओं के शब्द आप इसमें ढूंढ सकते हैं, उनका अर्थ जान सकते हैं। तो जब आप इसका प्रयोग करते हैं, अगर किसी अंग्रेजी शब्द का अर्थ हिंदी में ढूंढते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता मैंने देखी कि सोदाहरण अर्थात उदाहरण के साथ जो है उस शब्द के अर्थ को ये स्पष्ट करता है। और कई बार जो है किन्हीं शब्दों का अर्थ जो है एक पिक्चर के रूप में, यानी कि एक पिक्चर डिक्शनरी के रूप में आपको प्रस्तुत कर देता है, जिससे हमको उस शब्द के अर्थ को समझने में बहुत आसानी होती है। तो जितने मैंने ऑनलाइन शब्दकोश देखे उनमें से glossway.com को भी मैं काफ़ी उपयोगी मानता हूँ और इसको मैं रेकमेंड करता हूँ, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो है ये भी भारत सरकार का एक शब्दकोश है, emahashabdkosh.rb.aai.in, ये यहाँ पता इसका दिया हुआ है, ये राजभाषा विभाग भारत सरकार का ई शब्दकोश है, ये भी मानक है और यहाँ भी आप हिंदी और अंग्रेजी उसके अर्थ जो हैं आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ एक और मैं थेसारस है, थेसारस की जानकारी मैं देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ये हिंदी टू हिंदी है, किसी हिंदी शब्द का अर्थ अगर आप पूरी व्याख्या के साथ ढूंढना चाहें तो आप इस पर जाएं। इसका पता जो है ये है हिंदी वर्ड नेट के रूप में आप इसे सर्च करेंगे तो आप पाएंगे। इसमें जैसे यहाँ दिखाया गया है कि अगर एक शब्द यहाँ हमने दिया है प्रयास शब्द अगर हमने दिया तो प्रयास का अर्थ प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, उद्यम, उद्योग, यत्न, चेष्टा, पैरवी, यतन, जतन, जद्दोजहद, ईहा, उज्वास, मनुष्य का, जिगीशा, जिगीश आदि के रूप में पूरी उसके संबंधित जितने भी अर्थ हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसका प्रयोग भी बताया गया है कि सफलता पाने के लिए उसने भरपूर प्रयत्न किया और प्रयत्न से ही सफलता मिलती है। तो ये हिंदी का थेसरस है, हिंदी शब्द का अर्थ हिंदी में देता है, लेकिन अगर किसी हिंदी शब्द का अर्थ आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो ये आप लोग आपके लिए बड़ी उपयोगी वेबसाइट है। अगली जो स्लाइड है ये मैंने epustakalay.com की लगाई हुई है। epustakalay.com, यहाँ आप हिंदी की विविध ई पुस्तकें निःशुल्क पढ़ सकते हैं, यानी आज की तारीख में आज आप देखते हैं कि हर कोई मोबाइल पे या कंप्यूटर पे पढ़ना चाहता है, तो यहाँ हिंदी की बहुत सारी किताबें हैं जो पीडीएफ फाइल के रूप में दर्ज हैं। और आप जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि रामचरितमानस में सनातन धर्म की अवधारणा के पात्रों पर प्रभाव, ऐसी जनवादी कवि नागार्जुन, चिंतन और संवेदना, ऐसे कई जो किताबें हैं, स्कूल अंकगणित और ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो ई फॉर्मेट में यहाँ उपलब्ध हैं और निःशुल्क हैं, अर्थात इसके लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता, आप यहाँ जाके इन हिंदी की किताबों को पढ़ सकते हैं। एक और वेबसाइट मैंने देखी, यहाँ हिंदी की लगभग 1000 पीडीएफ पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध हैं। हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये दोनों वेबसाइट बहुत उपयोगी हैं। और ये दूसरी वेबसाइट है इसका पता है pdfbooks.ourhindi.com, अगर आप इस लिंक पे जाएं तो आप यहाँ देख पाएंगे इसमें आपको 1000 के लगभग हिंदी की पीडीएफ फाइलें उपलब्ध हैं। अगली जो वेबसाइट है ये
ट्रांसलेट की है और गूगल से संबंधित है। इसका पता है www.translate.google.com। और ये ऑनलाइन ट्रांसलेशन के लिए मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सी वेबसाइट सबसे अच्छी है, तो मुझे लगता है कि गूगल से अच्छा ट्रांसलेशन आज की तारीख में और कोई दूसरी वेबसाइट नहीं दे रही है। और यहाँ आप हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में आप ट्रांसलेशन ले सकते हैं। और जो कुछ आप ट्रांसलेशन प्राप्त करते हैं इनपुट और आउटपुट के रूप में, जो देते हैं इनपुट के रूप में या जो लेते हैं आउटपुट के रूप में, आप उसके वो यहाँ पे सुन भी सकते हैं और आप उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगले किसी वीडियो में हम हिंदी के जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अगर मुझे और भी कुछ रोचक और उपयोगी वेबसाइट्स की जानकारी मिलती है तो अगले किसी वीडियो में मैं आप लोगों के सामने उसे भी प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।